पूरा दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। ये है लियाकत अली, कमिश्नर है रावलपिंडी डिवीजन के, और बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में चुनाव हुए। इन शब्दों को सुनने के बाद हर पाकिस्तानी शर्मसार है और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर थूक रही है। कारण जानते हैं, क्योंकि वह जनादेश को लूटकर सेना देश दिया गया। जी हां, सेना के आदेश के मुताबिक जनादेश की लूट की गई, और सेना के लाडले नवाज की पार्टी को जिताने के लिए हर वो काम किया गया जिसने पूरे पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया। बिल्कुल बेजाबतियां तो छोटा लफज है, जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोरे लगा के सबको हरवाया। किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। ये ऐलानिया खुद बता रहे हैं रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर लियाकत अली, जिन्होंने अपने पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि वो इस लूटपाट के जिम्मेदार हैं और वो आत्मगिलानी में हैं। वो पछता रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी आवाम के चाहत के खिलाफ जाकर वो काम किया जिसके लिए उन्हें इशारा किया गया था। यही नहीं, रावलपिंडी के कमिश्नर ये भी कहते हैं कि इस काम में उनके साथ कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इन्वॉल्व है। देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूमा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। रावलपिंडी डिवीजन में 13 नेशनल असेंबली की सीटें थी, जिनमें से 11 नवाज शरीफ की पार्टी को जितवा दिया गया, जबकि 2 सीटों में से 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और 1 सीट पीपीपी के हिस्से आई। वहीं राजकीय चुनाव में 27 सीटें हैं, जहां नवाज शरीफ के हिस्से में 15 सीटें आईं और 11 इंडिपेंडेंट के हिस्से में आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में जिस तरह से जनता के वोट को लूटा गया और एक सरकार थोपने की कोशिश हुई, वो अब सब कुछ सामने आता जा रहा है, जो पूरे के पूरे पाकिस्तान को शर्मसार कर रहा है। कैसे पाकिस्तान में वोटों की लूट कर ली गई, कैसे सेना के प्यादे को बिठाने के लिए इमरान खान की पार्टी के साथ वो सब किया गया जो सपने में कोई नहीं सोच सकता। 50-70 हजार से अधिक मार्जिन से आगे निकलने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को चुनाव हरवा दिया गया और नवाज की पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जितवा दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से रावलपिंडी के कमिश्नर ने ये ऐलान किया है, ये खुलासा किया है और इस्तीफा दिया है, उसने पूरे पाकिस्तानी चुनाव की पोल खोल के रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।